सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टेनो हिंदी डिक्टेशन को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज की टाइपिंग डिक्टेशन की स्पीड है 40 शब्द प्रति मिनट। ओके, लेट्स स्टार्ट। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। दुनिया में अब भारत को राजनीतिक ही नहीं बड़ी आर्थिक और सामरिक शक्ति के तौर पर भी देखा जाता है। अमेरिका जैसी महाशक्ति भी भारत को नजदीकी सामरिक साझेदार के तौर पर देखती है। ऐसा समझा जाता है कि आने वाला समय भारत और चीन के नाम है, लेकिन दुनिया के अधिकतर देश चीन पर भरोसा नहीं कर सकते। चीन चाहे कितनी ही बड़ी शक्ति हो, लेकिन लोकतांत्रिक देश नहीं है। भारत में लोक शक्ति है। जितने भी बड़े लोकतांत्रिक देश हैं, वे चाहते हैं कि भारत के साथ उनके संबंध रहें। तीसरी दुनिया के बहुत से देश भारत को अपने नेता के रूप देखते हैं। वे यह मानकर चलते हैं कि भविष्य चीन के भरोसे नहीं चलेगा। उनके लिए भारत से दोस्ती जरूरी है। यहाँ यह बात भी उल्लेखनीय है कि भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दो बड़े निर्णयों, विमुद्रीकरण और वस्तु एवं सेवा कर GST को लेकर आलोचना हुई हो, लेकिन दुनिया में इन फैसलों को बड़े आर्थिक सुधार के तौर पर देखा जाता है। पिछले दिनों चीन के साथ भूटान की भूमि पर हुए डोकलाम सीमा विवाद में भारत की भूमिका से वैश्विक मंच पर यह संदेश गया है कि भारत ऐसा देश है जो अपनी बात से
पीछे नहीं हटता है। अमेरिका भी कई बार धमकी देकर पीछे हट जाता है, लेकिन डोकलाम मामले में भारत का अडिग रवैया दुनिया के देशों ने देखा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के छोटे सदस्य देशों ने यह सोचकर भी भारत को समर्थन दिया। मोटे तौर पर अब तक ब्रिटेन की ओर मुंह ताक रहे ऐसे देशों को यह लगने लगा है कि ब्रिटेन के मुकाबले भारत से बेहतर संबंध बनाए रखने में उनको ज्यादा फायदा हो सकता है। इसीलिए अब दोस्ती का हाथ भारत की तरफ बढ़ाने लगे हैं। सही मायने में वे भारत की ओर उम्मीद भरी नजरों से देखने लगे हैं। भारत केवल दुनिया की बड़ी लोकतांत्रिक ताकत ही नहीं बल्कि आर्थिक और सामरिक दृष्टि से भी मजबूत है। शायद यह बात अब चीन भी समझेगा। उसे भी यह सोचना होगा कि भारत कोई साधारण प्रतिद्वंद्वी नहीं है, लेकिन इस माहौल में अधिक सीना तानने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि दलवीर भंडारी के चुनाव के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को और अधिक जिम्मेदारी भरा बर्ताव रखना होगा। दुनिया के देश अब भारत को भविष्य के नेता के तौर पर देखते हैं, तो उसे कदम कदम पर और अधिक समझदारी से आगे बढ़ना होगा। देखा जाए तो इस जीत के लिए भारत की कूटनीति को श्रेय मिलना चाहिए। भारत के राजनयिकों ने भी इस मामले में काफी अहम भूमिका निभाई। पैराग्राफ पिछले सप्ताह से
जिम्बाब्वे, विश्व समुदाय में चर्चा का विषय बना हुआ है। देश के बिगड़ते राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक हालात को देखते हुए सुरक्षा बलों ने कमान अपने हाथ में ले ली। साथ ही उन्होंने आम नागरिकों को आश्वस्त किया कि उनके मौलिक अधिकारों की पूर्णतः सुरक्षित रहेंगे और वे रोजमर्रा की तरह अपना सामान्य जीवन जी सकेंगे। स्टॉप। दोस्तों, डिक्टेशन की प्रैक्टिस लगातार करते रहिए जिससे आप अपनी टाइपिंग की स्पीड को बढ़ा सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। अगर आपका कोई सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। धन्यवाद।